में ओबी हटाने का कार्य कर रही बीपीआरआई कंपनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जयंत निवासी सुनील बीपीआर कंपनी में पीसी मेंटेनेंस में हेल्पर था, जहां सुनील को स्कैनिया के मेंटेनेंस के लिए भेज दिया था। कार्य के दौरान स्कैनिया का केबिन सुनील के ऊपर गिर गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि मजदूर की मौत घटना स्थल पर ही हो चुकी थी। कंपनी प्रबंधन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। जब श्रमिक को स्कैनिया की जानकारी नहीं थी, तो कंपनी ने ऐसे जगह काम करने के लिए भेजा ही क्यों। फिलहाल मोरवा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक भाजपा पार्टी का संयोजक था, जहां घटना की खबर पर भाजपा विधायक रामलल्लू बैस, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी नेहरू अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों को पीपीआर कंपनी एनसीएल द्वारा 15 लाख रुपए का चेक, 50,000 रुपए नकदी कर्मकांड के लिए दिया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को हर महीने में 26 दिन का अटेंडेंस बीपीआर कंपनी द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। जनता पार्टी जिला सिंगरौली ने एक ऐसे कार्यकर्ता को खोया है, जो कि बहुत ही लगन निष्ठा के साथ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में लगा रहता था। बीपीआर कंपनी में कल वह एक हेल्पर के रूप में कार्यरत था, और केबिन के गिर जाने से जो उसकी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है, हमारे माननीय विधायक सिंगरौली रामलल्लू बैस जी एवं मेरे प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लगे रहने की वजह से बीपीआर कंपनी के द्वारा उस मृतक परिवार को 15 लाख रुपए का चेक, 50,000 रुपये क्रिया कर्म के लिए और उसके एक भाई को आजीवन जब तक की कंपनी स्थापित रहेगी नौकरी देने का वादा करते हुए उसकी एक भरपाई की गई। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी घटनाएं अमूमन घटा करती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर कल ऐसी आपदा आई है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण परिवार उस मृतक परिवार के को ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उसको संबल प्रदान करे। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग उस मृतक परिवार के साथ में है और हमेशा आगे के लिए रहेगा।